रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर की, कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 7400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती होगी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7411 पदों पर सीधी भर्ती होगी, 2646 पद विशेष सशस्त्र बल के लिए, ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। विशेष सशस्त्र बल छोड़कर 4444 पद कांस्टेबल के लिए है। 371 पद 26 जून से अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, 12 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा, 10 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है, 15 जुलाई तक संशोधन का मौका रहेगा। फिजिकल टेस्ट के 100 नंबर मिलेंगे, दौड़ के 40, लंबी कूद और गोला फेंक के 30-30 मार्क्स मिलेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी की है। भोपाल से बड़ी खबर है, प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है, केंद्र के कर्मचारियों के समान होगा डीए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें आपको, सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया है, अब केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है, केंद्र के कर्मचारियों के समान अब डीए होगा। तो सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, अब केंद्र के कर्मचारियों के समान दिए होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाली खबर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र समान दिए होगा, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी, बता दें सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया है, अब जो है केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए होगा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर ये आपको इस वक्त बता रहे हैं, महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी, ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, बड़ा ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लंबे वक्त से मांग हो रही थी कर्मचारियों द्वारा डीए बढ़ाने की, केंद्र के कर्मचारियों समान डीए देने की, और अब बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है, कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा मान सकते हैं हम। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दी है। अब तक अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बात करूं तो 38% डीए जो है वो उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र शासन की तरह उनको भी 42% डीए मिलना चाहिए, लेकिन ये मामला जो है वो लंबित चल रहा था। और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए 42% डीए मिलेगा। अगर केंद्र की बात करूं तो केंद्र ने 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ डीए लागू कर दिया था, और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का वित्त विभाग इसी महीने यानी जुलाई के अगले महीने यानी जुलाई से इस बढ़े हुए डीए को देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय से मांग जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की थी वो अब पूरी हो गई है, और कहीं ना बड़ी बड़ी वर्ग है 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि अतिरिक्त बोझ जो है वो मध्य प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये कर्मचारियों की मांग थी और लंबे समय से मांग थी, और यही कारण है कि उन मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। देखिए चुनाव नजदीक है और हर एक मुमकिन कोशिश सरकार करना चाहती है आम जनता को खुश करने के लिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए, और ऐसी ही सौगात जो है दी गई आज।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव का साल है और चुनाव के साल में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती और खासकर कर्मचारी वर्ग, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक बड़ा वोटर वर्ग है। अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख कर्मचारी हैं जो नियमित हैं। इसके अलावा अगर संविदा की बात करूं या फिर दूसरे जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या और अधिक हो जाती है, तो ऐसे में 7.5 लाख लोगों को नाराज करने का मतलब है कि इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर लगातार सरकार विचार कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा कई जो सरकारी संगठन है उनके द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए, कई अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए थे, तो ऐसे में एक एक करके कर्मचारियों की जो मांगे हैं जो संभव हो सकती है उन सबको हल करने का प्रयास जो है चुनाव के साल में मध्य प्रदेश की सरकार करने में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। ग्वालियर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। बहटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे, महिला सम्मेलन में शामिल होंगे सभी, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी होगा। बड़वानी से बड़ी खबर है, बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की फिर से हुंकार भरी है। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, हिंदू जाग रहा और एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज ने कहा है ये सब धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी गठरी, धर्मांतरण करने वालों की ठठरी होगी, ये बयान बागेश्वर धाम महाराज ने दिया है। बन नहीं है भाई साहब, बता रहे थे आप सोच कर रहे हो बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूंगी, धर्मांतरण अब नहीं चाहेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठटरियों गठरी दोनों। रायपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले वीएचपी की बड़ी रणनीति है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के खिलाफ वीएचपी अभियान चलाएगी। अभियान में देश भर के संतों को शामिल करेगी विश्व हिंदू परिषद। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए भी अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे, गांव से लेकर शहर तक पदयात्रा के जरिए अभियान चलाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, 3 जुलाई से फिर सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी फिर आंदोलन करेंगे। जन घोषणा पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने की मांग इनके द्वारा की जाएगी। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे, बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। मॉनसून की तैयारी, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलेगा ऑपरेशन मॉनसून। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। मॉनसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार होगी। पड़ोसी राज्य के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट किया गया है। बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे जवान। भी बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है। इस कार्य हेतु हमारा फोर्सेस को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ट्रेन की गई थे और जैसा मानसून के समय भी रिवर क्रॉसिंग, नदी नाला का किस तरीके से सुरक्षित क्रॉस करना है, इन सब के बारे में हमारा फोर्सेस का काफ़ी अनुभव भी हो गई है। इसी को लेकर आने वाला मानसून का अवधि में भी निरंतर रूप से हमारा अभियान संचालित रहेगा और वर्ष 2021-22 में देखे जाए तो मतलब मानसून में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान में परिणाम भी अच्छा आया है। उसी अनुभव को देखते हुए वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा उनमें लगातार हम अभियान को संचालित करें ताकि हमारा क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और नक्सल के किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को उनका कोई साजिश न हो सफल।
कांकेर से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरने का यह पूरा मामला है। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों की संख्या अब दो हो चुकी है। भानु प्रतापपुर के चबेला में राइस मिल बन रहा था। भानु प्रतापपुर के चबेला में राइस मिल में हादसा हुआ है। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीरें हैं। निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरने का ये पूरा मामला है। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या दो हो चुकी है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, युवा कांग्रेस के नेता ने किसान को धमकाया है। युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई देखने को मिली है। किसान के परिवार को धमकी दी, दबंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता इस वीडियो की। मोपका का रहने वाला है किसान परिवार। बातचीत चाहे तो करना है, दादागिरी करना है। दादागिरी कहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरे जमीन में कैसे तुम लोग खंभा गड़ाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जमीन? कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज बता? नहीं कौन से कागज तो बता ना भैया। दतिया में एक घंटे की बारिश के बाद पूरे शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। शहर की कई बस्तियों में सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़क पर एक फीट से ज्यादा पानी भरे होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एक घंटे की बारिश हुई और इस बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुके हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। शहर की कई सारी बस्तियों में पानी भर चुका है, जलभराव की स्थिति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर मॉनसून पहुंच चुका है और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून के पहुंचने को लेकर केंद्रीय मौसम विभाग ने जानकारी भी जारी की है। तपती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। जी हां, बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। बीजापुर सुकमा की बात करें तो वहां पर बारिश हो रही है। साथ ही जगदलपुर के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हुई है। अमूमन बस्तर में मानसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून ने परेशान किया है। मानसून लगभग 25 जून के आसपास पहुँचने की बात की जा रही थी, लेकिन आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहुंचने से वहीं लोगों को राहत मिली है तो किसानों को चेहरे में खुशी भी लौटी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, 25 जून तक पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होगा। दक्षिण बस्तर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की क्रम लगातार जारी है। साथ ही साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज किया गया है। सरफेस से लेकर 850 मिलीबार अर्थात 1.5 किलोमीटर। राजगढ़ में एक महीने से एक लंगूर लोगों के बीच परेशानी का सबब बना हुआ था। इसने न सिर्फ लोगों को काटा बल्कि वन विभाग के नाक भी लगभग काट दी थी। लेकिन क्या हुआ देखिए। तेवर बरकरार,
जलवा बरकरार। शहर क्या, जेल क्या, जंजीर क्या, क्योंकि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। शुक्र मनाइए कि रील नहीं रियल का मामला था, इसीलिए आज जेल में बंद है, वरना तो पूरे राजगढ़ को नाकों चने चबवा दिए इस बदमाश लंगूर ने। एक दो नहीं, करीब करीब 15 लोगों में ऐसी दहशत तारी हुई है कि जिंदगी भर बंदर का नाम सुनकर खुद को घर में बंद कर लेंगे। एक महीने उत्पात मचाने के बाद धरा गया है। लोगों पर हमला करके फरार होने का तरीका ऐसा कि रियल डॉन शर्म से डूब जाए। बड़ी मुश्किल से एक सीसीटीवी में पकड़ आया इसकी हिंसक शरारत का सबूत। वार ऐसा, चमत्कार जैसा, दर्द आए उससे पहले ये निकल जाए। यही था इस गुनहगार के काम करने का तरीका। हर उम्र के लोगों को शिकार बनाने वाला ये शातिर तेजी से अपनी लोकेशन बदल लेता था। एक दिन तो अपनी गुंडई की टेरिटरी बदलते हुए नागर मोहल्ला मेन मार्केट में 3 लोगों को एक साथ इसने अपना शिकार बना लिया। लोगों को तो ये सिर्फ काट रहा था, लेकिन वन विभाग के तो रसूख की नाक पर निशान बना दिए इसने। आखिरकार कोशिश शुरू हुई। चूंकि यह एक लंगूर प्रजाति का मंकी है और इस तरह के केसेस में जो है काफ़ी उछल कूद मचाता है। हम लोगों की टीम पिछले 10-15 दिन से करीबन जो हमारी लोकल राजगढ़ की टीम है वो काफ़ी प्रयास कर रही थी। नगरपालिका का भी पूरा सपोर्ट था हमको, नगरपालिका भी काफ़ी कर्मचारी प्रॉपर गश्ती कर रहे थे, पर चूंकि आप समझ सकते हैं कि बंदर एक तरह का ऐसी प्रजाति, कभी इस पेड़ पर, कभी इस पेड़ पर, कभी इस बिल्डिंग पर, तो वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो ये था लंगूर का तरीका, छलिया की तरह आता और चमत्कार की तरह गायब हो जाता। राजगढ़ की टीम ने आसपास के जिलों से मदद मांगी। थोड़े इंतजार के बाद आई उज्जैन रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड ने इसे ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल कर पकड़ा। 21 जून 2022 को टीम को जैसे ही, उज्जैन टीम को जैसे ही टाइम मिला, फ्री हुए वहां से दूसरे कार्य से, तुरंत राजगढ़ आए और उनके आने के बाद लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू, सफल रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया। सर, अब इस बंदर को कहाँ छोड़ा जाएगा? संभवतः इस बंदर को घने जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा ताकि ये फिर से मानव बस्ती आबादी में ना आए। और लगभग जो इसका अनुमानित है, अभी साहब ऊपर मार्गदर्शन ले रहे हैं कि कहाँ इसको छोड़ना है, हो सकता है खिवनी या देवास के ऐसे घने जंगल में जहाँ पर मानव बस्ती दूर है, वहाँ पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल टीम रुककर इसके दूसरे उत्पाती साथी की तलाश कर रही है। हालांकि टीम के लिए इसे गिरफ्त में लेना आसान नहीं था। किसी शातिर अपराधी की तरह पहले तो इसे ड्रोन की मदद से ढूंढा गया, फिर गन शॉट दिया गया। इसके बाद भी ये उद्धव नगर की तरफ भागता रहा, फिर फलौदी कॉलोनी के पास एक छत पर बेहोश हुआ, तब कहीं जाकर पकड़ाया। गुंडों के जुलूस से ज्यादा भीड़ जुटी इसे देखने के लिए, इसीलिए तो हमने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब चलेंगे मंडला, जहां कान्हा नेशनल पार्क से प्रकृति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें बाघिन नीलम और उसके 3 शावकों की, जिसमें आप देख सकते हैं कान्हा के घास के मैदान में भारी बारिश के बीच मां के सामने अटखेलिया खेलते हुए शावक। खास बात यह है कि इनके सामने एक शिकार भी पड़ा है, जिसे शावक खाते खाते मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस खूबसूरत नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया। तस्वीरें कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन के फाटक नाली की बताई जा रही है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।